दोस्तों आज सबसे पहले मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले आप विस्तृत रूप से इस घटना को सुनिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सार क्या है और किस तरीके से आप इसे अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूं, जहां पर अधिकतर घरों में गाय या भैंस पाली जाती है। ऐसे ही दोस्तों हमारे किसी जानने वाले के घर में भी एक भैंस थी और एक बार उसकी भैंस बीमार हो जाती है, उसका पेट खराब हो जाता है, तो वो उस भैंस को लेकर जाता है पशु चिकित्सक के पास। वो डॉक्टर भैंस को देखता है और कुछ दवाई लिख कर देता है कि ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ। जो भैंस का मालिक था वो मार्केट में जाता है, वो सारा सामान खरीद कर लाता है। इसके बाद डॉक्टर उसे एक बांस मंगवाता है, बोलता है दवाई पीसो, इस बांस में डालो। उसका डॉक्टर उस बांस को लेकर भैंस का मुंह ऊपर करता है और बांस की मदद से भैंस के मुंह में वो दवाई डाल देता है। जो भैंस का मालिक था वो सोचता है कि इसने दवाई भी मेरे से मंगाई, सारा काम भी मेरे से कराया, खाली उसने दवाई पिलाई उसको और इस बात के इसने फीस अलग से ले ली मेरे से, दवाई के पैसे तो मुझे देने ही पड़े। कुछ दिन बाद दोबारा उसकी भैंस की तबीयत खराब होती है, वो सोचता है उसने वही सारा काम करना है। तो उसने क्या किया, मार्केट में गया, वो सारी दवाई लेकर आया, दवाई पीसी, वो बांस लिया, उस बांस में दवाई रखी और दोस्तों उसके बाद फूक मारकर उसने कोशिश की कि फूक मारकर भैंस के मुंह में वो पूरी की पूरी दवाई डाल दे। जैसे वो फूक मारने के लिए गया वैसे ही भैंस ने उल्टी फूक मार दी और वो दवाई भैंस के पेट में ना जाकर उस इंसान के पेट में चली गई, भैंस के मालिक के पेट में चली गई और उसको हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ गए अपने पेट के इलाज के लिए। दोस्तों इस कहानी का सार क्या है, कभी भी कच्चे लालच में ना आए। जिस चीज को आपको पूरी नॉलेज ना हो वो ना करें, सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देखकर आप किसी बिजनेस में ना घुसें। हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस चल रहा है, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल तो बहुत आसान है, करना क्या है, फ्रेंचाइजी फीस बनानी है, एक मॉडल बनाना है, एक एग्रीमेंट बनवाना है और मार्केट में मार्केटिंग करके उतर जाना है और लोग आपकी फ्रेंचाइजी ले लेंगे। आज के दिन मैं देखता हूं बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उन लोगों ने अपनी फ्रेंचाइजी फीस रखी हुई है 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए और मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं भैया आपने ये फ्रेंचाइजी फीस 2 लाख रुपए रखी है किस लिए रखी है, बोलता हमारी ब्रांड की फीस है। और जब मैं उससे पूछता हूं कि आपके ब्रांड है कितनी जगह पर, बोलता अभी तो हमने शुरू किया है, मतलब अभी शुरू किया। मैंने कहा चलो ये भी हो सकता है शुरू किया हो तो कुछ तो स्पेशल होगा जो आपने शुरू किया, बोला नहीं कुछ स्पेशल नहीं है, हम तो बर्गर में बस चटनी लगा खिलाते हैं। मतलब कि वो वही बर्गर बना रहा है, वही पिज्जा बना रहा है, वही सब कुछ बना रहा है और कुछ नयापन नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ यूएसपी नहीं है, कुछ ब्रांड में स्पेशल नहीं है, कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ मोनोपोली नहीं है और उसके बाद 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपके सोच लेने भर से कोई आपके ब्रांड में लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देगा। ब्रांड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि जब आप कोई फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे तो सबसे पहले ये देखिए कि उसका ब्रांड है कितना पुराना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि नया ब्रांड अच्छा नहीं होता, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है आज मार्केट में आए और उनसे अच्छा बिजनेस आपको नहीं मिल सकता। जैसे कि दोस्तों टी टिफिन एक ऐसा ब्रांड है जो मार्केट में नया नया आया है लेकिन यूनिकनेस है, हेल्दी फूड आपको दे रहा है, एक अच्छे ब्रांड के साथ दे रहा है और बहुत कम फ्रेंचाइजी फीस ले रहा है और उसके साथ साथ आपको एक गारंटी ऑफ रिटर्न भी दे रहा है। तो कहने का मतलब है जितनी आपसे फ्रेंचाइजी फीस ले रहा है उससे ज्यादा रिटर्न की वो गारंटी दे रहा है, तो ऐसे में आप ऐसे ब्रांड पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से लोग आपके काउंटर पर चढ़ेंगे, तो ऐसे में आपका ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि उस ब्रांड में यूएसपी क्या है, क्या वो यूएसपी पूरे मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। जैसे कि मोमोज वाले जगह जगह काउंटर लगा के खुले हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक मोमो वाले ने किसी अच्छा सा काउंटर बना लिया और कहता कि मेरी फ्रेंचाइजी फीस 3 लाख रुपए है। तो ये चीज आपको देखनी है कि उसकी यूएसपी क्या है। नंबर दो, उसके कितने काउंटर्स रन कर रहे हैं। नंबर दो आपको ये देखना चाहिए कि दोस्तों उसका मैनेजमेंट कैसा है, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा, ट्रेनिंग सपोर्ट कैसे मिलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है किसी फ्रेंचाइजी में इम्प्लॉय सपोर्ट होता है, आपको इम्प्लॉय सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आज के दिन बिजनेस तो आसानी से कोई भी कर लेगा लेकिन इम्प्लॉय छोड़ के भाग गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो क्या हो गया, जब आपका बिजनेस नुकसान में जाएगा तो कंपनी के पास क्या बैकअप प्लान है, किस तरीके से आपको सपोर्ट किया जाएगा, क्या कंपनी आपकी फ्रेंचाइजी को बायबैक करेगी, क्या कंपनी आपकी फ्रेंचाइजी को सेल आउट कराने में मदद करेगी। ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो आपको देखना चाहिए फ्रेंचाइजी लेने से पहले।
अगर आप कोई रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उस ब्रांड पे जाकर फूड को टेस्ट करें, उसके बाद ही उसकी फ्रेंचाइजी लें। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, ज्यादा समझदार ना बने, भैंस के मालिक ना बने। अगर आप भैंस के मालिक बनेंगे तो दोस्तों 10,000 बचाने चाहेंगे और 1.5 लाख लगवा के आएंगे। आप किसी कंसल्टेंट की मदद लें, किसी कंसल्टेंट को बीच में रखें। जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो कंसल्टेंट को रखते हैं, जब आप कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं तो लॉयर को हायर करते हैं, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी का फैसला कर रहे होते हैं, जब आपको कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो किसी कंसल्टेंट को 20-25,000-30,000 रुपए देने से पहले आप कतराते हैं। दोस्तों ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, ऐसे में आपका बिजनेस डूब भी सकता है और आप नुकसान के शिकार भी हो सकते हैं। तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आप जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं वो बिजनेस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको रेफरेंस कहां से मिल रहा है, किस तरीके से वो फ्रेंचाइजी आपको सपोर्ट करेगी, कितना प्रॉफिटेबल वो बिजनेस रहने वाला है और क्या वो ब्रांड लायबल ब्रांड है। अगर नहीं है तो दोस्तों आप ऐसी फ्रेंचाइजी लेने से बचें। कहीं उस ब्रांड की गुडविल डाउन तो नहीं जा रही है, कहीं उस ब्रांड के बारे में लोग उल्टा सीधा मार्केट में तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी सही सही जानकारी आपको कोई अच्छा फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट ही दे सकता है। सो दोस्तों आप किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने से पहले 4 बार सोचें और उसके बाद ही किसी फ्रेंचाइजी को लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऐसे ही कुछ वीडियोज आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आप हमारा चैनल फ्रेंचाइजी बताओ है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग फेसबुक पर भी हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया के नाम से, द फ्रेंचाइजी बताओ हमारा फेसबुक हैंडल है। वहां पर हमें लाइक और फॉलो जरूर करें क्योंकि वहां पर भी आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं, क्या आपकी पसंद है, हमें बताइए ताकि हम वही वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।